वैसे आप यहाँ पर काफी बल के लिए आए? हम तो हनीमून पर आई है। अच्छा अच्छा, ये आपका पहला हनीमून है? क्या मतलब? नहीं नहीं, मतलब ये है कि शादी बस सीधा यही पर आएगी, रास्ते में भी जिगी जिगी बैंग बैंग। ये क्या है? ये मेरा कोड वर्ड है। तुम्हारा कोड वर्ड? कॉलेज में कोड वर्ड था मेरा। वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड प्ले। और आई थिंक समीर, चैतन्य, पायल, राकेश बेदी जी, अरुण काटे, सबने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक कॉमिक टाइमिंग, जो कॉमेडी में कॉमिक टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बहुत अच्छी थी। वेरी वेरी गुड प्ले, रियली ग्रेट शो। काफी इंजॉय किया हम लोगों ने और बहुत मजा आया। और डेफिनेटली हम लोग इस शो के बारे में दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे। इट्स रियली फैंटास्टिक शो। परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत जबरदस्त प्ले है। It is very very entertaining and a lot of fun. It's quite good. बहुत ही इम्प्रेसिव एंड समथिंग डिफरेंट। क्या हो रहा है? योर वाइफ इज वेरी हॉट। मैं अभी ठंडा करता हूँ। ये प्ले मेरे ख्याल से बात बात में बिगड़े हालात बहुत बढ़िया चलेगा। I came after a long time to watch a play, but it was great fun. बहुत मजा आया। My wife actually, she's not even understanding a lot of it because उनकी भाषा नहीं, it's not in Hindi, but even she's enjoying it. तुम्हारा वाइफ के सामने इस शेरिल को अपना वाइफ बोले? Wow, you are a genius, Muthu. You are a genius. Don't worry, मैंने जैसे कहके सारा इंतजाम कर दिया है। मैं अपनी बीवी को यहाँ से लेकर तुरंत चला जाऊँगा। उसके बाद तुम्हारा ये पूरा का पूरा रूम हो जाएगा। एंड उसके बाद तुम जितना चाहो उतना ऊपर नीचे कर सकते हो। शहर यही रुकेंगे? नहीं, वो भी मेरे जाते ही चली जाए। और ना गई तो? अरे वो यहाँ क्यों रुकेगी, वो भी चली जाएगी। क्या पता मुन्नी बदनाम इन डार्लिंग मेरे लिए। राकेश बेदी जो तो वो तो गुरु हैं इस चीज लाइन के। तो उसके अलावा मुझे समीर इकबाल जी, जिन्होंने डायरेक्ट भी किया है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। और ख़ास तौर पर जितने भी करेक्टर को उन्होंने डायरेक्ट किया है, और हर एक में अलग अलग शेडो था अपना, जो सब काबिले तारीफ है। सभी किरदार बहुत अच्छे थे, सभी ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। हर कैरेक्टर अपने किरदार में बहुत बेहतरीन था। और हम लोगों ने
एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग इस प्ले से बाहर हो रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी इस प्ले का एक हिस्सा है और हम लोगों ने बहुत इसे एंजॉय किया। बहाने बनाना छोड़ो, अगर कुछ कर सकते हो तो आगे बढ़ो।